आई सीक रिफ्यूज ऑफ अल्लाह फ्रॉम सैटन द आउटकास्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। दिस इज़ इंग्लिश वर्कबुक। टुडे वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 40। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मैंशन डेट एंड डे 21 अप्रैल 2020 एंड डे इज़ ट्यूसडे। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन है, आ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़, वो होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ऐसी के टू लाइंस लगी हुई हैं, आपकी वर्कबुक पे भी लगी हुई हैं, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, आ प्रोनाउन is a word that takes the place of a noun. The students use the pronoun he, she or it to take the place of one person or thing in the subject of a sentence. जो sentence में subject दिया गया है, मतलब जो नाम होते हैं उसकी जगह पे हम ही शी इट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे लिखा हुआ है, असद इज़ आ कुक, असद इज़ अ सब्जेक्ट। ठीक है, इसको हमने चेंज करना है ही में, ये है प्रोनाउन, ही इज़ अ प्रोनाउन। असद इज़ अ कुक, हम लिखेंगे ही इज़ अ गुड कुक। नंबर टू है, यूज़ द प्रोनाउन दे टू टेक द प्लेस ऑफ मोर देन वन पर्सन और थिंग इन द सब्जेक्ट। ठीक है, जो ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे, लाइक ये लिखा हुआ है द गर्ल्स, गर्ल्स ज़्यादा हैं, द गर्ल्स निट, गर्ल्स की जगह पे आएगा दे निट वेरी वेल। नीचे है सर्कल द प्रोनाउन दैट टेक्स द प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो अंडरलाइन है हमने उसके प्रोनाउन लिखने हैं, फादर एंड मदर वर्क। ठीक है, फादर एंड मदर एंड फादर वर्क, ये ज़्यादा हैं, दो हैं मदर एंड फादर, इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे दे वर्क वेरी हार्ड। नंबर टू है, मिस्टर अली फिक्स इज कार, मिस्टर अली सिंगुलर है, ठीक है, इसके साथ हम लगाएंगे ही फिक्स ओल्ड कार। नंबर थ्री है, रिदा सेल्स हैट्स, रिदा इज़ अ सिंगुलर, इसके साथ लगाएंगे शी सेल्स बैग टू। द टू गर्ल्स, अब टू आ गया, ठीक है, द टू गर्ल्स वॉक टू स्कूल टुगेदर, गर्ल्स इसके साथ हम लगाएंगे दे आर फ्रेंड्स। नंबर फाइव है, माई सिस्टर मेक्स ड्रेसिस, सिस्टर सिंगलर है, इसके साथ लगाएंगे शी मेक्स डॉल ड्रेसिस। अल्लाह हाफिज़।